मेरा नाम सलमान है, मेरा क्वालिफिकेशन MBA है। यहाँ पे आपको 6 दिन का डेमो भी दिया जाता है। अगर आपको डेमो में अगर आपके क्लासेस अगर पसंद नहीं आए, फैकल्टी पसंद नहीं आए, तो भी आपको सर्टिफिकेट दी जाती 6 दिन की। और पूरा कोर्स होने के बावजूद भी अगर आपको पसंद नहीं आया, फिर भी आपको मनी बैक गारंटी, ऐसा कोई कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं है कि मनी बैक गारंटी आपको मिल जाएगी। आपको कोर्स होने के बाद एंड ऑफ द डे आप बोलेंगे सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी आपको पैसे मिल जाएंगे। और मेन थिंग, रिसेंटली दुबई में या गल्फ GCC कंट्रीज में UAE वहाँ पे VAT शुरू, वो उसके भी क्लासेस हमारे तहत सर शुरू कर दिए। और उसका मटेरियल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान तरीका है, कोई भी समझ सकते। तो यहाँ आने के बाद आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो है ना, मैनेजर बनने की सलाहियत, मतलब मैनेजर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, कैश फ्लो कैसा बनाना, बैलेंस शीट कैसा, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसा रीड करना, कैसा एनालिसिस करना, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसा करना, बजटिंग कैसा करना, बजटिंग को कंट्रोल कैसा करना, ये पूरे मैनेजर के क्वालिटीज है। इतना एक्सपीरियंस रहने के बावजूद भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन हो रहे हैं, यानी ये मैनेजर के क्वालिटीज़ क्या क्या है, वो सब आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह। और जो BCom वगैरह और MBA जो परस्यूइंग कर रही है, उनके लिए तो बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। कई को बोलते साथ ही साथ BCom भी चलता रहेगा और आपके एकेडमिक्स के ईयर भी सेव हो जाएंगे। अक्सर लोग यहाँ क्या है, BCom कंप्लीट हो गया, MBA कंप्लीट हो गया, कई साल वेस्ट करे, उन लोग आके सीख रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का भी फ्यूचर बना। जो परस्यूइंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो और बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि उन लोगों के अपने कई साल बचा सकते। अगर आप भी जो है ना काम सीखे हुए है, काम आता बोल के अगर आप घर में बैठ गए तो आपको जो है ना वो चीज़ आपको हासिल नहीं होती। इसके लिए आपको जो है ना बाहर निकलना पड़ता, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मालूम करो आप, उसके बाद उसका जॉब रोल क्या होता। अगर जॉब रोल आपको मालूम है तो मालूम करो, गूगल कर लो। अगर आपको नेम नहीं आता तो सीखो जिसके पास जो सिखाना चाह रहा है। अगर जो जिसके पास आप गए वो नहीं सिखा रहे तो एक बार इंस्टीट्यूट को आइए, सर से मिलिए, सर जो है ना आपको अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा, रियल टाइम रियल डाटा पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वही ट्रेनिंग जब आप हासिल करेंगे उसके बाद में आप डायरेक्ट कंपनीज में जाके इम्प्लीमेंट करना रहेगा। इस वजह से आपको ये इंस्टीट्यूट की खासियत यह है कि रियल टाइम डाटा पे ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, और आपका नॉलेज भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। नॉलेज के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और मैं तहे दिल से मैं हमारे तहत सर को शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो मटेरियल वो लोग प्रोवाइड करे, जो गाइडेंस, जो सपोर्ट और यहाँ के फैकल्टी, अल्हम्दुलिल्लाह तहत सर सब्जेक्ट के अलावा जो मोटिवेशनल जो बोलते हैं लोगों को, मतलब जैसे जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिसका गोल नहीं रहता, जो आके सीखते हैं लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, एक गोल मिलेगा, और आपके फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पे क्लास के अलावा और मोटिवेशनल आपको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, ऑटोमेटिक आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। जैसे कि ये हमारे तहसर की खूबी है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फहीमुद्दीन है और मैं BCom ग्रेजुएट हूँ। यहाँ का एक खासियत बात यह है कि यहाँ पर जो है CA है, MBA है, 10-15 साल यहाँ इंडिया में, अब्रॉड में, USA मैं काम करे, वो लोग भी जो है ना यहाँ पर आगे काम सीख रहे हैं। क्यों बोले तो वो लोग जो है ना जो काम करते थे वो एक डिपार्टमेंट में काम करते थे, अब लेकिन डिपार्टमेंट में काम करने की वजह से क्या है, वो लोगों की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और इंडिया के अलावा अब्रॉड के भी स्टूडेंट्स आ रहे, काम सीख रहे, जा रहे, यहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर जाके इम्प्लीमेंट कर रहे अपने काम को जो है वहाँ पर, काम यहाँ पर जो काम सीखे वहाँ पर की कंपनीज में वो लोग काम कर रहे। और एक इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि बिगर बेस्ट हो सकता लेकिन यूनिकेस्ट नहीं हो सकता। तो ये इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि यूनिक है, यहाँ पर यहाँ का काम भी यूनिक है, यहाँ के सर भी यूनिक है, यहाँ का स्टाफ भी यूनिक है। मेजर अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो भी सिखाना है प्रैक्टिकल सिखाएगा। ये थियोरिटिकल जो कॉलेज में पढ़ते थे, जो बुकिश नॉलेज था, एंटायरली प्रैक्टिकल नॉलेज डिफरेंट है। एक बार आप ज्वाइन होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। और बहुत से यहाँ पे इंस्टीट्यूट में मैं देखा, बहुत से जो एक्सपीरियंस वाले हैं, मतलब 7 साल, कोई 7 साल एक्सपीरियंस है, कोई 5 साल एक्सपीरियंस है, वो लोग भी आके ज्वाइन हो रहे। वो लोग ज्वाइन होने का मकसद ये है कि वो लोगों को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही नॉलेज रहेगा। अकाउंट्स में कई डिपार्टमेंट्स रहेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल, पेएबल, इसमें सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट हद तक वो लोग महदूद हो जाते हैं, मगर यहाँ पे आने के बाद आपको कई डिपार्टमेंट्स में नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ना आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती, यहाँ पर क्या है बोलते आपको जो है ना सर्विस कंपनी में कैसा काम किया जाता, कंस्ट्रक्शन कंपनी में कैसा काम होता, जॉब ऑर्डर कास्टिंग क्या होती है, और ट्रेडिंग की कंपनी में कैसा कैसा काम किया जाता है, वहाँ पर यहाँ पर जो है सब
अच्छे से ट्रेनिंग इस बारे में नॉलेज दी जाती है, और कौन सा मैनेजमेंट को कौन सी किस तरह की रिपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट को कौन सी सबमिट करना, मैनेजमेंट को कौन सी सबमिट करना, जो जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट अपनी रिपोर्ट से हेल्पफुल हो और उसकी वजह से कुछ डिसीजन ले सके। इस तरह की रिपोर्ट जो है ना यहाँ पर, इस तरह की रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर, काम के बारे में यहाँ पर पूरा समझाया जाता है। सर के बारे में ये खास बात है कि ये सर जो है ना बहुत, एक तो अपना 300 से ज़्यादा कंपनियों का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, और प्लस जो है मोटिवेट करते हैं यहाँ पर सर, एक इंसान को जो है इस काबिल बना देते कि वो जो है ना अपने आप में कुछ फैसला ले सके, आगे बढ़े। थैंक यू सर फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। मैं जो मैं सीखा हूँ वो सर आपकी वजह से सीखा हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह।